Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ये एक आम इलेक्शन नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। आप अपनी वोट डाल के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बताओगे कि जजेस साहिबान आपका शुक्रिया। बात सिर्फ ये है कि 2018 में पाकिस्तान नून और नवाज शरीफ की फतह नजर आ रही है। मरियम नवाज का इस वक्त रोल या अब तक का किरदार सिर्फ रहा है मियां नवाज शरीफ की बेटी के तौर पर। बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चे जब गैर सियासी होते हैं तो फिर उनको लीडर किस तरह माना जा सकता है। मसला है नवाज शरीफ साहब का, कि जब भी उसको मैंने मशवरा दिया और जब भी उसने मेरा मशवरा लिया वो सक्सेसफुली बाहर निकला है। ये फर्स्ट टाइम था जो उसने मेरा मशवरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अय्याज़ सादिक कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ जिसे नामजद करें वही हमारे कायद होंगे। चौधरी निसार अली खान कहते हैं कि बच्चे गैर सियासी होते हैं, बच्चों को लीडर कैसे माना जाए, कॉन्टेक्स्ट मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं। निसार अली खान कहते हैं कि अदलिया से महाद आरई हमारे मफाद में नहीं है। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अय्याज सादिक कहते हैं हमें उम्मीद ही यही थी कि फैसला मियां नवाज शरीफ के खिलाफ आ रहा है, और मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि मियां नवाज शरीफ को निकालने में जल्दी क्या थी। इमरान खान कहते हैं कि NA-120 का वोट पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तब्दील, और अगर आपको अदलिया पर एतमाद है तो फिर आप बल्ले के निशान पर मोहर लगाएं, वोट दें। जबकि मरियम नवाज कहती हैं कि 17 सितंबर को NA-120 में आप वोट का तकद्दस बहाल करने के लिए शेर पर मोहर लगाएं ताकि मुंतखब हुकूमतों को निकालने का सिलसिला बंद हो सके। ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है और लंदन में पाकिस्तान की बड़ी लीडरशिप पहुंची हुई है। ये आज के हमारे मेहमानों का मैं तारफ करा देता हूं। मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब हामिद मीर साहब ने, एंकर पर्सन हैं, तजिया निकार हैं, बल्कि टॉक शोज के फाउंडर भी हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मुझे कराची से वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं सरदार नबील गबोल साहब, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपने वक्त दिया। और लाहौर से मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जईम कादरी साहब, वहाँ पर रूहे रवां हैं आजकल पोलिटिकल एक्टिविटीज़ के। बहुत शुक्रिया कादरी साहब आपने वक्त दिया। हम जरा 120 से ही बात कर लेते हैं जी। कौन जीत रहा है वहां से? 120 में कोई मुश्किल बात नहीं है बताना। NA-120 में बेगम कुलसूम नवाज की पोजीशन बहुत मजबूत है, बल्कि मजबूत से ज्यादा मैं कहूँगा मुस्तहकम है। उसकी वजह यह नहीं है कि वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब की अहलिया है, और यह भी वजह नहीं है कि वो मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हैं। बेगम कुलसूम नवाज साहिबा जो हैं उनका एक अपना बिलोइंग है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं पीपल्स पार्टी में भी और पीटीआई में भी जो ये कहते हैं कि अगर वहां पे बेगम कुलसूम नवाज के अलावा कोई और कैंडिडेट होता तो शायद हम उसको वोट ना देते। लेकिन हम बेगम कुलसूम नवाज को सिर्फ इसलिए वोट देंगे, उन्होंने 1999 का जो मुशर्रफ का कू था, और जब उस कू के बाद पूरी शरीफ फैमिली जो है वो गिरफ्तार हो गई थी, तो बेगम कुलसूम नवाज साहिबा ने बड़ी बहादुरी से मुशर्रफ के खिलाफ मुजाहमत की थी, और जब तक वो पाकिस्तान में थी ARD भी बनवाई यहाँ जी उन्होंने। आपको बिल्कुल याद है, बिल्कुल आपको याद है, शाम को आप भी थे, मैं भी वहीं था। और मैं आपको ये भी बताऊं कि वो ARD बनाने में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा जो हैं उनकी काफी रिलक्टेंस थी, मेरी उनके साथ मुसलसल रब्ता था। यानी बीबी शही बनाने में हिचकचाहट का। मैं आपको एक बहुत तारीखी बात बताने लगा हूँ, और मेरे पास उसके अभी तक एविडेंस मौजूद है। बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ मेरी ईमेल पे कन्वर्सेशन चलती थी, वो मुझे कहती थी कि ये ARD इसलिए बनवाई जा रही है तब मुशर्रफ के साथ बारगेनिंग करके कोई डील कर ले। तो मैं उनसे कहता था नहीं ऐसी बात नहीं है,
आपको मुल्क में आमरियत के खिलाफ तमाम जमातों को मुतहद करना चाहिए। फाइनली उन्होंने ये कहा, उनका कॉन्टेक्ट हुआ बेगम कुलसूम नवाज के साथ, फाइनली उन्होंने कहा तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और बेगम कुलसूम का रब्ता हुआ जी, दरमियान में कुछ लोग पड़े, ठीक है। तो फाइनली बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कहा कि क्योंकि एक औरत जो है वो डिक्टेटर के खिलाफ तहरीक चला रही है, मुजामत कर रही है, और मैंने इनको काफ़ी दिनों से देखा है और मुझे पता चला है कि चौधरी निसार साहब जो हैं वो इनके साथ नहीं है। ये बीबी शहीद कह रही हैं 1999 या 2000 ये 2000 दिसंबर के करीब, ये नहीं, ये नहीं, ये 2000 का के इब्तदाई दिन थे। ओके, ये 2000 के इब्तदाई दिन थे, क्योंकि मैंने मेरे रिकॉर्ड में ईमेल्स मौजूद हैं, इसलिए मुझे टाइम का सर्दियां थी। हाँ, उन्होंने मुझे पूछा कि क्या वाकई चौधरी निसार और बेगम कुलसूम नवाज एक पेज पे नहीं है। मैंने कहा कि जी वो पब्लिकली तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये दोनों एक पेज पे नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एआरडी बनाएंगे। इस बात पर उन्होंने कहा हम एआरडी बनाएंगे, तो फिर एआरडी बन गई। लेकिन बाद में बीबी साहबा के खदशात दुरुस्त साबित हुए। एआरडी बनने के कुछ ही दिनों के अंदर डील हो गई। हाँ। उसमें लेकिन उस छोड़े वो डील बेगम कुलसूम नवाज साहबा ने नहीं की। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि बेगम कुलसूम नवाज साहबा जो है उन्होंने तने तनहा और उनका कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था, उन्होंने एआरडी बनवा दी। इसमें एआरडी बनाने में नवाबजा नसरुल्लाह खान साहब का बहुत किरदार था। हाँ। और उन्होंने बीबी को गारंटी दी थी कि बेगम कुलसूम नवाज साहबा जो हैं ये बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी महजब खातून है और हमें इन पर पूरा एतमाद है और आप एआरडी बना। तो एआरडी बन गई। तो फिर लोगों बहुत से लोग जो हैं वो गवाह है लाहौर में कि किस तरह तहमीना दौलताना और बेगम कुलसूम नवाज जो हैं वो जब घर से निकले एक दिन तो उनकी गाड़ी को फजा में मुअल्लक कर दिया गया। इसलिए मैं समझता हूं कि बहुत से लोग पीपल्स पार्टी और पीटीआई के वो ये समझते हैं कि ये इलेक्शन जो है ना इसमें ये नहीं है, बेगम कुलसूम नवाज सिर्फ मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नहीं है, वो जमहूरियत के खिलाफ मुजामत आमरियत के खिलाफ मुजामत की एक अलामत है, वो जमहूरियत की अलामत है। तो उन्होंने जमहूरियत की एक अलामत को वोट देना है सिर्फ एक दफा। वो कहते हैं जी जरूर देंगे। मैं आपको नाम भी बता सकता हूं पीपल्स पार्टी और पीटीआई के बहुत से लोग। इसलिए मेरा ख्याल है कि इस इलेक्शन में बेगम कुलसूम नवाज साहबा जो हैं वो मेरा ख्याल है आसानी से जीत जाएंगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि बेगम कुलसूम नवाज का मार्जिन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अभी तक जो मुझे इत्तला मिल रही है कि बेगम कुलसूम नवाज के वोटर्स जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के जो बाहर जो वोटर हैं उनके वो बड़े कमिटेड हैं कि हमने वोट डालना है, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत से जो ग्रुप्स हैं आपको अच्छी तरह पता है अहम लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के अंदर आपको एक्टिव नजर नहीं आ रहे, वो एक्टिव नहीं है, उनको भी मेरा ख्याल है एक्टिव होना चाहिए। ये मुस्लिम लीग नून की जो अंदरूनी लड़ाई है ना इसको छोड़ें। आपने एक दफा बेगम कुलसूम नवाज को वोट दे के दरअसल आपने पूरी दुनिया को बताना है कि एक औरत, एक घरेलू खातून जिसने मुशर्रफ की आमरियत के खिलाफ मुजामत की, पाकिस्तानी कौम ने उसको इज्जत दी है, इज्जत दी है। मैं मुस्लिम लीग के अंदर वाली बात फिर आता हूं आपके पास, सरदार साहब आपके पास आऊंगा। इमरान खान ने कल एक बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि जी NA 120 के वोटर्स को एड्रेस करते हुए कि आप वोट दें, आपका वोट जब आप पीटीआई को जिताएंगे तो ये का फैसला उसको सपोर्ट मिलेगी कि अदालतों ने सही फैसला किया मियां नवाज शरीफ को नाइल करने के लिए। अब व्हाट इफ, जैसे आमिर मीर साहब कह रहे हैं, अगर पीटीआई हार जाती है, फैसला वहां के लोगों ने कर रहे हैं, मैं इसलिए अगर पीटीआई हारती है तो फिर इसका यही मतलब होगा कि पाकिस्तान के लोगों ने 28 जुलाई वाला फैसला मुस्तरद कर दिया है क्या? शाकिर साहब, मैं खुद हैरान हूं कि इमरान खान ने पता नहीं किस कैफियत में ये बात की है। और बात वही है जो चौधरी निसार ने कही कि बच्चे तो गैर सियासी होते हैं, और इमरान खान ने उसके बरक्स कहा कि जज जो है वो सियासी होते हैं। यानी आप जुडिशरी को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं कि जी ये इलेक्शन अगर पीटीआई हार गई इसका मतलब जो है जुडिशरी हार गई, तो ये बात करनी नहीं चाहिए उनको। मजीद कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं और इसका फायदा जो है मुस्लिम लीग नून उठाएगी इस स्टेटमेंट का, तो मैं समझता हूं कि ये बात उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखें पूरा 1.5 साल केस चला है, 1.5 साल के बाद भी जो है दो जजेस ने जो है तीन जजेस ने कहा कि
तश्कील दी जाए, उसके बाद बहुत सोच समझ के ये फैसला किया गया। ये ना पीटीआई की कामयाबी है ना मुस्लिम नून की हार है, ये मैं समझता हूँ कि कामयाबी है। तो ये 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 हक का फैसला हुआ है और ये कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद मुस्लिम लीग नून जो करने जा रही है कि इसी अमेंडमेंट को ही ख़त्म करने जा रही है या इसी आर्टिकल को ख़त्म करने जा रही है, वो अलग से अलग इशू है। लेकिन मैं समझता हूं कि जुडिशरी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर, पीटीआई को, खासकर इमरान खान। आपने कहा सोचा समझा फैसला है, लेकिन आज भी मरियम नवाज साहिबा थोड़ी देर पहले कह रही थी कि अगर इल्जाम में सच्चाई थी जिनकी बेसिस पे केस चलता रहा तो फिर अकामा पे क्यों निकाला? देखें, ये तो एक उनको एक, मैंने पहले दिन से कहा था कि नवाज शरीफ खुद चाहते हैं कि ये फैसला उनके खिलाफ आए। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, मैं एक साल से कह रहा हूं कि वो खुद चाहते हैं, और इनको इनको पता था कि ये फैसला, स्पीकर ने इस बात सही की है कि इनको पहले से ही पता था कि ये फैसला इनके खिलाफ आने वाला है। और मैं पहले दिन से कह रहा था कि इमरान खान पीटीआई वाले जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, इनको चाहिए कि आप आर्टिकल 62-63 के तहत प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज करें कि उन्होंने गलत बयानी की है। तो अकामा पे नहीं निकाला, गलत बयानी की है, झूठ बोला है और अपने एसेट छुपाए हैं, उस बुनियाद पे किया गया। तो शेख रशीद की पिटीशन, सरदार साहब शेख रशीद अहमद की पिटीशन तो थी इसी बात पे जो आप फरमा रहे हैं कि वो 62-63 पे थी कि सच नहीं बोला गया। बिल्कुल, और फैसला भी यही आया है कि अगर आप देखें अकामा क्या है, अकामा रखना गैर कानूनी नहीं है। अकामा का मतलब है कि आप किसी मुल्क करते हैं और आपने रेजिडेंसी रखी, लेकिन उस मुल्क के अंदर आपने जो 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 कारोबार खोला था उसको अपने जो नॉमिनेशन पेपर है उस पर आपने डिक्लेयर नहीं किया। और इस वक्त काबीना के 90% लोगों के पास अकामा है, इस वक्त मैं समझता हूं प्राइम मिनिस्टर के पास भी अकामा है, लेकिन अगर आप चेक करें उन सबको तो उनके किसी ने नॉमिनेशन पेपर में शायद जिक्र नहीं किया होगा। तो अगर तो ये बात है कि अकामा के ऊपर सिर्फ नवाज गया है तो फिर मेरे ख्याल में इस मौजूदा असेंबली से 80% लोग जो है फारिग हो जाएंगे। इसी नुक्ते पर रहिए, कादरी साहब आपके पास आऊंगा। बदायर हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि जीत तो है आपकी NA-120 में, लेकिन जो फैक्टर, वो फैक्टर तो बड़े सीरियस हैं, आपने सुने हैं सारे। जी यकीनन, मैं हामिद मीर साहब से बिल्कुल एग्री करता हूं, और ये इनकी सहाफत के अर्ली डेज की बात है। वैसे तो ये काफी माशाल्लाह सीनियर है, लेकिन ये अरूज पर पहुंच चुके थे और खाकसार को भी उस गाड़ी में 14 माह सफर करने की जो है वो क्रेडिट, और मैं समझता हूँ कि तोरा इम्तियाज है मेरी सियासत का कि मैं मोहतरमा कुलसुम नवाज के साथ उनको असिस्ट कर रहा था। और न सिर्फ लाहौर, NA-1 मुझे याद है जहाँ पहली बार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ज़ैन कादरी साहब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि जिन लोगों को मुस्लिम लीग के अंदर से आना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, वो नहीं आ रहे। आप तो हल्के में मौजूद हैं, क्या ऐसी बात है वो नहीं आ रहे लोग? नहीं, मेरा ख्याल में मोहतरमा कुलसुम नवाज की जिस जद्दोजहद का उन्होंने जिक्र किया है वो इस्तियारा है जमहूरियत की उस जंग का जो बन चुकी है वो खातून, और जब भी कहीं कोई बात करता तो उनको एक बहुत बड़ा क्रेडिट देता है। जहां तक लोगों का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ जो लाहौर में पॉलिटिक्स करता है वो अगर वजीर है तो जिस तरह मैं हूँ, अब मैं अगर कैमरे पर जाके तकरीरें करूँगा भाई तो ECP मौजूद है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुझे रात को फारिग कर देगा, और फिर आप ही कहेंगे कि देखें जी ये वायलेशन हो रही है। तो सब लोग अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं, जहाँ जहाँ ताल्लुकात हैं वहाँ बात भी कर रहे हैं, लेकिन फिजिकली इस तरह हम प्रोमिनेंटली मेरे ख्याल में हम नहीं जा रहे, लेकिन हर लोग सब लोग अपना काम कर रहे हैं। और वो जो कदगन है इलेक्शन कमीशन की वो दैट इज प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल, और उस वजह शायद लोग शायद हुए किए हुए, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मोहतरमा की जात का जो तस्वीर कशी हामिद मीर साहब ने की है बिल्कुल 100% दुरुस्त है, और उसे कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता। इसी नुक्ते पे रहिए नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मरियम नवाज साहिबा इस कैंपेन को चला रही हैं NA-120 में, लेकिन जब
पार्टी के बहुत बड़े लीडर चौधरी निसार अली खान ये कहें कि हम तो उनको लीडर ही तस्लीम नहीं करते और ग्रुप्स। ये जरा ब्रेक के बाद उस पर बात करें, लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से, और हम मुल्क की ताजा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। अभी आप 99 की बात कर रहे थे चौधरी निसार अली खान के हवाले से कि बेगम साहिबा, बेगम कुलसूम नवाज साहिबा के साथ कोई प्रॉब्लम थे। प्रॉब्लम तो आज भी हैं, वो तो मरियम नवाज खुल के कैंपेन कर रही हैं वहाँ लाहौर में, और इधर उनके अपने एक बड़े लीडर कह रहे हैं कि जी हम तो उनको लीडर गैर सियासी हैं। ये जो इशू है ना बेगम कुलसूम नवाज साहिबा और चौधरी निसार साहब के दरमियान, ये काफ़ी पुराना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बेगम साहबा की, उनके साथ जो मामला थे वो आज से तकरीबन 17 साल पहले भी ठीक नहीं, लेकिन इस वक्त चौधरी निसार अली खान साहब ने जो मरियम नवाज साहबा के बारे में कहा है ना कि वो सिर्फ, उनकी पहचान ये है कि वो नवाज शरीफ की बेटी है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि उन्होंने जो कहा है कि जो मरियम नवाज जो हैं उनमें और बेनज़ीर भुट्टो में बहुत फ़र्क है, इसमें भी ये भी बात उनकी ठीक है। लेकिन उन्होंने ये जो कहा ना कि वो गैर सियासी हैं और बच्चे तो गैर सियासी होते हैं, ये बात इसलिए मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने कि मरियम नवाज शरीफ साहबा काफ़ी दिनों से NA120 में एक सियासी कैंपेन चला रही हैं, और यानी कि वो अब तो तन तनहा चला रही हैं वो। तो अगर एक खातून जो है वो लाहौर के एक हल्के में एक पार्टी की कैंपेन चला रही है और रोज़ाना रैली निकालती है, रोज़ाना तकरीरें कर रही है, तो वो गैर सियासी कैसे हो गई? अच्छा, इसकी एक और इसकी भी बैकग्राउंड है। लेकिन कह क्यों रहे हैं वो? असल में तो उनका मसला नवाज शरीफ साहब है ना, मरियम नवाज का तो वैसे ही वो नाम ले रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि चौधरी निसार साहब ने बहुत सी जो बातें हैं वो दुरुस्त की हैं। मसलन उनका ये कहना बिल्कुल ठीक है कि मरियम नवाज और बेनज़ीर भुट्टो का कोई मुआवजना नहीं है, उनका ये कहना भी दुरुस्त है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है इसमें फौज का कोई किरदार नहीं, ये भी उन्होंने दुरुस्त कहा है। लेकिन उन्होंने जो मरियम नवाज शरीफ साहबा के बारे में एक फ्रंटल अटैक किया है, यानी कि अटैक कर लीडर मानने से इनकार किया, नहीं मानने से इनकार नहीं किया, उन्होंने कहा कि आप तो बिल्कुल ही गैर सियासी हैं। मैं तो, अगर वो गैर सियासी हैं तो फिर पिछले साल चौधरी निसार अली खान साहब ने मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक लंबी मुलाकात क्यों की थी, और उस मुलाकात में इन दोनों ने एक दूसरे के साथ शिकवे शिकायतें किए, और निसार साहब ने कहा जी अब मेरा दिल साफ हो गया, और ये बात चौधरी साहब ने मुझे बताई थी, मुझे मरियम साहबा ने नहीं बताई। चौधरी निसार अली खान ने आपको बताया कि अब दिल साफ हो गया? हाँ, उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात हुई थी। शिकवे क्या थे वैसे? जो शिकवे यही थे कि वो जी के हमें बाईपास किया जाता है, हमसे पूछा नहीं जाता। अच्छा, फिर उसमें तलाल चौधरी साहब जो है वो ब्रिज भी बने रहे इसमें, मरियम औरंगजेब वो ब्रिज बनी रही दोनों में, मरियम औरंगजेब और तलाल चौधरी जो हैं इन दोनों के चौधरी निसार साहब से भी अच्छे ताल्लुकात हैं और मरियम नवाज शरीफ साहबा से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। काफ़ी अरसे तक परवेज़ रशीद साहब जो हैं वो ब्रिज बने रहे, एक मीटिंग में परवेज़ रशीद मौजूद थे, मरियम नवाज और चौधरी निसार की मुलाकात हुई उसमें मौजूद थे, परवेज साहब ने मुझे कन्फर्म किया कि हाँ मैंने मुलाकात करवाई है। तो इनकी मीटिंग्स होती रहीं, तो मैंने ये आपको ये सारी बातें इसलिए बताई हैं कि मुझे इस्लामाबाद में रहता हूँ तो मुझे पता है कि इनका प्रॉब्लम है आपस में। अच्छा, पहले आप क्यों नहीं बोले? आपने साहब के बारे में बातें की कैबिनेट के इजलास में, आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर जब सरदार यकूब नासर को पार्लियामानी कायम मुकाम सदर बनाया गया सेंट्रल वर्किंग भी आप बोले, कमेटी का इजलास हुआ। अब आप अगर मरियम नवाज के खिलाफ बोल रहे हैं तो इसका साफ मतलब यह है कि आपका असल हदफ जो है वो नवाज शरीफ साहब। इसलिए मैं समझता हूँ कि चौधरी निसार साहब की टाइमिंग ठीक नहीं है, बाकी उन्होंने बातें दुरुस्त की हैं, लेकिन मरियम नवाज इसका फायदा मरियम नवाज को होगा। आप फाइंड कर जाएंगे, शेख रशीद भी यही कहते हैं कि चौधरी निसार की टाइमिंग नहीं। चौधरी निसार साहब ने ये जो अटैक किया ना मरियम नवाज साहब, इसका फायदा मरियम नवाज, और इसके रिटेलिएशन में आज बहुत से लोगों से मेरी बात हुई है, मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोगों से मेरी, में जो लोग नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करते वो भी आज मरियम नवाज कह रहे हैं कि यार ये अब चौधरी साहब ने हमारे लिए ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है, अब हमें मरियम नवाज के साथ खड़ा होना पड़ेगा। सरदार साहब, यही सवाल आपसे, आप एक सीजंड पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, बड़े उतार चढ़ाव हैं, मरियम नवाज साहिबा एक तन तनहा आज कैंपेन चला रही हैं, वहां पर जा रही हैं सुबह शाम, उनको वाकई फायदा होगा चौधरी निसार अली खान जो कुछ कह रहे हैं? शौकत भाई, मैं नहीं समझता हूं कि नुकसान होगा।
देखें चौधरी निसार अली जो है ना वो जुदा हो चुके हैं, और कब वो ऐलान करेंगे, कहाँ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, ये मैं नहीं कह सकता हूँ अभी। लेकिन अब उस उनके जो है ना मुस्लिम लीग नून से रास्ते जुदा, जहाँ तक उनके ताल्लुकात शहबाज शरीफ साहब के साथ कैसे हैं वो मुझसे ज़्यादा हामिद मीर साहब बता सकते हैं। लेकिन अभी मुझे आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून दो दड़ों में तकसीम होता हुआ नज़र आ रहा है। एक दड़े के अंदर चौधरी निसार भी होंगे और दूसरे में जो लीड करेंगी वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा करेंगी। तो अब ये साफ नजर आ रहा है। मैं समझता हूं साहब एग्री नहीं कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं नबील, हो सके मैं ये बता दूं कि शहबाज शरीफ और चौधरी निसार एक पेज पे नहीं है। हो सकता है कि चौधरी निसार अगला इलेक्शन आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ें, वो किसी मुस्लिम लीग नून के धड़े में शामिल नहीं होंगे। हो सकता है उनको आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना पड़े। तो बेचैन ग्रुप आप भी बार बार कह रहे हैं कि कोई बेचैन ग्रुप है वो, लेकिन पहले ये तय है कि चौधरी निसार वो मुस्लिम लीग नून को खुदाफिस कहने वाले हैं, तो ये तो बात आप मानते होंगे। अब अगर वो शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं, मैं आपकी ये बात भी नहीं मानता। ये भी तय है कि मैं आपकी ये बात भी नहीं मानता। आप कह रहे हैं कि चौधरी निसार मुस्लिम लीग नून को खुदा हाफिज कहने वाले हैं। मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून उनको खुदा हाफिज कह देगी। वो देखें अच्छा पॉलिटिशियन पता है कौन होता है? अच्छा पॉलिटिशियन वो होता है कि पहले अपने पार्टी के मूव को समझ के पहले बाहर निकल आए। यानी कि अच्छा पॉलिटिशियन सरदार नबील गबोल जैसा होता है। ज़हीन कादरी साहब, मैं ये नुक्ता आपके सामने रखूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट शुरू हो गई है, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। यही सवाल आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं, शॉर्ट ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद नाज़रीन इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। कुछ पेटिशन और नैब ने आसिफ अली जरदारी की इक्विटल यानी बरियत के खिलाफ जाके अपील दायर की है। सरदार नबील गबोल साहब मौजूद हैं, उनकी राय भी लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, रूबरू आप लाइव देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। रहीम कादरी साहब, आप पे एक सवाल छोड़ा था, जो कुछ यहां से कहा जा रहा है चौधरी निसार अली खान की तरफ से, मरियम नवाज साहिबा के रास्ते में रुकावट आ रही है या उनको? देखिए सर, एक तो बड़ी कैटेगोरिकल बात है कि मरियम नवाज साहिबा उस जद्दोजहद में मोहतरमा कुलसूम नवाज के साथ हर जगह मौजूद थी, और जिस तरह वो जद्दोजहद की गई और जिस ज़ीरक और असासियत के साथ उस पर काम किया गया वो मोहतरमा कुलसूम नवाज़ का ही क्रेडिट है। जहाँ तक ताल्लुक है चौधरी निसार अली खान साहब का, मैं कैटेगोरिकली बता दूँ कि जनाब मौजूद है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी और सेहत दे। मियाँ जनाब निसार अली खान नून में ही हैं, थे और रहेंगे इंशाल्लाह, और वहाँ कोई धड़ेबंदी का सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि लोग मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ात के साथ लोगों के दिलों से लीडरशिप सर कादरी साहब, मेरे ख्याल में ये ख्वाहिश तो हो सकती है, ये खबर कभी नहीं बनेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, शौकत प्राजा साहब की इजाजत से कादरी साहब, अगर आप बुरा ना मनाए तो एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पूछ लूं। मेरे बानी फरमाए ना पूछे तो बेहतर है। जी जी पूछे। अच्छा प्रजा साहब कह रहे, देखिए कादरी साहब आप बहुत मुअज्ज़ज़ घराने से है और आपकी सियासत में जो रेपुटेशन है वो ये है कि आप हमेशा सच बोलते हैं, और इस वजह से मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये दुरुस्त है कि आज से 17 साल पहले जब बेगम कुलसूम नवाज साहिबा मुशरफ की आमरियत के खिलाफ जदोजहद कर रही थी, आप उनके साथ साथ थे, तो आप गाड़ी में थे और आपने मोटरवे पे जब गुजरे थे तो चक्री इंटरचेंज के करीब आपने और बेगम कुलसूम नवाज साहिबा ने अपनी पार्टी के एक अजीम रहनुमा जो बाहर तो नज़रबंद था लेकिन वो मोटरवे पे फेर रहा था और अपने घर की तरफ जा रहा था, आप उस अजीम रहनुमा का नाम बताना पसंद फरमाएंगे? नो कमेंट्स। मेरा लाजिम, मेरा देखिए मैं आपको मैं बता दूं चक्री के नाम से नहीं, इस तरह नहीं है।
नहीं बताता, मैं आपको मुश्किल में नहीं डाला। मैंने आपके साथ ये नामुनासिब हरकत नहीं करनी थी, लेकिन जो आपने कहा ना कि ख्वाहिश खबर नहीं बनेगी, तो फिर मैंने कहा, फिर मेरे पुराने दोस्त हो तो मैं भी फिर तुम दसा कि मैंने बहुत कुछ पता है। नहीं आप हमें तो ना रखे ना आप इस सरप्राइज में, आप प्लीज। आप यार सारा फड्डा ही वहां से शुरू हुआ है जो बेगम कुलसूम नवाज साहब का। छोटा सा आदमी हूं मीर साहब, मैं तो आज भी बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर रहा हूं। नहीं मैं मीर साहब से सवाल कर रहा हूं, आई एम होस्ट ऑफ दिस शो, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। जो आप सरप्राइज रख रहे हैं वो तो बड़ा एनी शायद कादरी साहब हैं, जहीम कादरी, मोहतरम मुकर्रम जहीम कादरी साहब, ये एनी शायद हैं। इनकी गुनाहगार आंखों ने उस शख्स को देखा और वही फड्डा वहीं से शुरू हुआ जो बदन थे, लेकिन आपने कादरी साहब उनको देखा चक्री इंटरचेंज के करीब, अब तो बताना पड़ेगा आपको। नहीं सर देखे ना, ओहो मैं बहुत मजलूम हूं, मुझसे ना पूछो। चलो आप बता दें, आप तो बता दें कम से कम। वो तो पॉलिटिकल नहीं, पार्टी के किस तरह है भाई, किस तरह पार्टी के, मेरा यही, मैं तो आपको चैलेंज कर रहे हैं कि ये खबर नहीं बनेगी। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने इस वाक्य के बारे में नहीं कहा। वाकया बयान चले, मैंने बता दिया ना यार, सबको पता है। चले मैं एक और भी एक गवाह है, उसको भी मैं पेश करूंगा आपके सामने, क्योंकि कादरी साहब जो है ना, उन पे बहुत बड़ा आसमान टूट पड़ेगा, ये पहले ही कुछ लोगों के। नहीं अब तो मैं आपसे पूछ रहा हूं हामिद मीर साहब कि आप तो बताएं, जो बजायर नजरबंद थे मुशर्रफ दौर में और उनको चक्री पे देखा गया, और आपको तो बेगम साहबा ने खुद बताया था। बेगम साहबा ने नवाज शरीफ साहब को बताया था फोन पे कि मैंने देखा है चौधरी निसार साहब को, और फिर कादरी साहब से पूछा गया, इन्होंने कन्फर्म किया चौधरी निसार ही थे। क्यों जी कादरी साहब, दुरुस्त है आपने कन्फर्म किया था? नहीं जी नहीं, हामिद मीर साहब बादशाह आदमी है, इनकी किनको मैं क्या करूं, मेरे बचपन के दोस्त हैं, ये मुझे पता नहीं कत्ल करना चाहते हैं, मैं शासन छोड़ दूं। बात ये कि देखे चले आगे आगे बढ़ते हैं, सरदार नबील कबूल साहब एक बहुत ऑनरेबल आदमी है, इस तरह ना करें। चले चले आगे बढ़ते हैं, वो पार्टी के सीनियर तरीके, और वो देखे वो उनको मैंने ये हैसियत नहीं दी कि वो इतनी बड़ी बात करें, उनको ये हैसियत आप मेरी जान मोहतरम नहीं दी। आप इतना कह दें कि नहीं जो मैंने कहा वो गलत है, नहीं वो नहीं कर रहे हैं ना, तरदीद तो नहीं कर रहे हैं। आगे चलते हैं, सरदार नबील कबूल साहब आपकी तरफ आऊंगा। लंदन पाकिस्तान की सियासत का हमेशा मेवर रहा है, और आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, मियां नवाज शरीफ वहां हैं, मियां शहबाज शरीफ वहां हैं, इमरान खान वहां हैं, शाह महमूद कुरैशी वहां हैं, उसके बाद शेख रशीद वहां पहुंचे हुए हैं। इत्तफाक है या कुछ और बातचीत भी है? मैं नहीं समझता हूं कि कोई सियासी मामलात हैं वहां पर लंदन में, मुझे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना कोई ऐसी बात है। मैं मुझे पूरा वसूख के साथ मैं कह सकता हूँ, ये एक कोइंसिडेंस है कि शेख रशीद भी लंदन में है, लंदन में है, लेकिन इसमें कोई सियासत नहीं है। शेख रशीद ने तो अभी चंद दिन पहले कहा ना कि एक NRO ऑफर हो रहा है इनको, मुस्लिम लीग को, मियां नवाज शरीफ को, उन्होंने ये बात की ऑन रिकॉर्ड बात की। देखे मैं आपको बताऊं, हामिद मीर साहब बहुत ज़्यादा वेल कनेक्टेड है, और हामिद मीर साहब कराची को भी जानते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि NRO वाली जो बात है वो इम्पॉसिबल है इस वक्त। NRO वाली बात की कोशिश खुद नवाज शरीफ साहब ने की है कहीं पर, लेकिन वो अब होगा नहीं, क्योंकि एक तासुर ये है कि बार बार जब मुशर्रफ साहब कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलती जो था वो NRO था, तो आज के भी सूरत हाल में मुझे नहीं लगता है कि जो गलतियां नवाज शरीफ ने की हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ जो बातें, खुसूसन मैं कहूँगा कि मोदी से जो दोस्ती, और फिर उसके बाद डॉन लीक्स के हवाले से बहुत सारी ऐसे 4-5 इश्यूज हैं जो मैं नहीं समझता हूँ कि सियासत के अंदर को करना चाहिए था। ये बताएं कि पिटीशन्स आ रही हैं, वक्त भी सरदार साहब कम रह गया है, पिटीशन्स आ रही हैं। नैब कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी साहब को बरी किया, अब नैब उनके अदालत में लेके चला गया आसिफ अली जरदारी के खिलाफ। आसिफ अली जरदारी कल कह रहे थे कि जो सिंध में नैब खत्म किया है आप काबीना उसको रिकंसिडर करे, आज नैब ने उनके खिलाफ जाके पिटीशन दे दी। देखिए मैं मौजूदा नैब को और नवाज शरीफ साहब के उस वक्त के 1990 के नैब को के दरमियान कोई फर्क नहीं समझता हूं, थे और आज जो है कमर जमान साहब है, तो मैं समझता हूं कि नैब जो है ना वो
जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को बचाने की कोशिश कर रहे थे और फिर आखिरी में उनको मजबूर होना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत रेफरेंस दाखिल कर रही है, तो ये कोई मैं नैप का किरदार जो है वो बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है, खुसूसन चेयरमैन नैप का। हालांकि मैं उनको पर्सनली जानता हूं, वो ऐसे कंट्रोवर्शियल नहीं थे, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों अपने आप को कंट्रोवर्शियल बाद में बना दिया। जहां तक आसिफ अली जरदारी साहब का सवाल है, तो वो कैद में बगैर भी कर लिया, तो अब किस बात की नैब जो है अपील करेगी? तो मैं नहीं समझता हूं कि कोर्ट को जो है जिसको बगैर किसी गुनाह के 12 साल की सजा मिली है दोबारा वो रेफरेंस खोला जाए। अहमद मीर साहब, जो जो तासर की बात कर रहे थे मेरे प्रीवियस क्वेश्चन में, एक तासर मुल्क में, हम एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, एक तासर ये भी था NRO शेख रशीद ने कहा कि ये कोशिश कर रहे हैं, फिर कुछ पता चला कि मियाँ शहबाज शरीफ भी लंदन कुछ मैसेज लेके गए हैं, कोई है ऐसी इंफॉर्मेशन आपके? देखें, NRO इसलिए पॉसिबल नहीं है कि अदालत अपना फैसला रिवर्स कैसे कर सकती है, अदालत अपना फैसला रिवर्स नहीं कर सकती। तो यानी ये पिटीशन जो 12 सितंबर को, आप इसको भी फिर रूल आउट कर? नहीं, देखिए ना, वो तो गफूर लहरी केस में पहले से मिसाल मौजूद है। गफूर लहरी को अदालत ने नाहल करार दिया, वो जब उन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल की तो उसी बेंच ने उसको मुस्तरद कर दिया, और ये केस जो है ये पनामा केस में इसको उन्होंने कोड भी किया हुआ है। मसला ये है कि NRO सबको पता है कि जी ये तो फौज करवा सकती है, और पिछला NRO भी परवेज मुशर्रफ ने वर्दी में साइन किया था, तो आपको ये भी पता है कि मैंने कभी किसी आर्मी चीफ की तारीफ नहीं की, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ अपने मुशाहदे की बुनियाद पे, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं ये तमाम तर अपनी ताकत के बावजूद, इख्तियार के बावजूद, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फ़ौज को बराह रास्त सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। ये कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, ना इन्होंने पहले किया है कि कोई NRO करके तो वो अपने अदारे को क्यों कंट्रोवर्शियल बनाएंगे। तो वो पहले भी उन्होंने दो दिन पहले जो 6 सितंबर को तकरीर किया है उसमें भी उन्होंने आइन की बात किया है, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात किया है, जमहूरियत की बात की है। तो सियासी जमातें आपस में बेशक लड़ती रहें, लेकिन मेरा ख्याल है कि फ़ौज सियासत में मुलव्वस नहीं होगी, और ये जो अदालती फैसला था इसके पीछे भी जो लोग फदार ढूंढते हैं मैं उनसे शदीद इख्तलाफ करता हूं, और मेरा यही इख्तलाफ मुस्लिम लीग नून के बहुत से रहनुमाओं के साथ। लेकिन एक जो ग्रुप बन रहा था मुस्लिम लीग के अंदर, बड़ी खबरें आई, वो भी तो फिर रुक गया, वो किसने रोका? देखें, अब सारी बातें मैं आपको बता सकता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के कुछ डिसिडेंट्स जो हमेशा से अपनी पार्टियां बदलने में मशहूर हैं, जो पहले काफ लीग में थे फिर मुस्लिम लीग नून में आ गए, वो खुद अपने तौर पे रابطे कर रहे थे। जैसे ही उनको पता चला कि फैसला नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ आ रहा है, तो उन्होंने रابطे करने शुरू किए पुराने अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ, बताएं जी अब हमने किधर जाना है। फिर फैसला आ गया, फिर उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने रابطा किया जी हमने किधर जाना है, और फिर उन्होंने कुछ MNAs का एक जो ग्रुप था उसने अपना नाम लिखकर एक लिस्ट बनाई और कहा जी ये एक किसी को दे दिए। आप भी किसी से मिले थे? हाँ हाँ, कॉलम, वही कॉलम की बात, कॉलम लिख दिया। अच्छा, उन्होंने अपना यकीन दिला दिया कि जनाब आप जिधर कहेंगे हम उधर।